शुभांगी सिंह, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां आज से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होगा। आपको बता दें, राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं 26 मार्च तक ये बजट सत्र जारी रहेगा, जिसमें 24 बैठकें होंगी। 1 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने ये जानकारी दी है। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वहीं 4 मार्च से बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और 24 मार्च को विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, आज से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 26 मार्च तक ये सत्र चलेगा, जिसमें कुल 24 बैठकें होंगी। 1 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट को पेश किया जाएगा, जिसके बाद 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। फरवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी 25 और 26 फरवरी को। दूसरे दिन निधन उल्लेख के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी। अभी तक हम लोगों को 4 दिवंगत नेताओं की सूचना मिली है, उनका निधन उल्लेख होगा। 23 फरवरी को तिथि अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन होगा और उसमें 23 और 24 दो दिन चर्चा निर्धारित है माननीय मुख्यमंत्री जी। 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। विधायक साथियों ने जो प्रश्नों की सूचनाएं भेजी हैं वो 2,350 है। इस बार स्थगन प्रस्ताव के 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के 117 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत को एनएसयूआई सोशल मीडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आदित्य भगत रायपुर पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आदित्य भगत ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सच को सामने लाया जाएगा और बीजेपी पर प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया। आवाज दबाई जा रही है, हर उस आवाज को दबा दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ उठती है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको दबाया नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्र नेतृत्व है, उनका ये मानना है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, इस बात को इकट्ठा करना है, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर है उनको टुकड़े टुकड़े में बांध करके ये अलग अलग नाम दे देते हैं। जब स्टूडेंट्स इनका विरोध करते हैं तब उन्हें टुकड़े टुकड़े कहते हैं, जब किसान करते हैं तब उसे खालिस्तानी कह देते हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत के 25 एकड़ जमीन खरीदने और जमीन खरीदी के बाद कोरवा जनजातियों के साथ पूर्व मंत्री के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को जशपुर कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए भूमि खरीदी के नामांतरण पर रोक लगा दी। गुतकिया गांव में करीब 25 एकड़ की खरीदी के बिक्रीनामा के आधार पर नामांतरण को रोकने का आदेश दिया गया। वहीं कलेक्टर ने प्रारंभिक जांच के आधार पर नामांतरण रोकने का आदेश मनोरा तहसीलदार को दिया है। मामले में किसानों का पक्ष भी सामने आया है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें जमीन वापस चाहिए। आरोप है कि गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीदी गई है। हमर माय बाप के ठीक के लिए आनलै जे दिन मैं भी घरे रहूँ वो दिन में, लेकिन मौके भी नहीं बता लो, मैं पूछ देख लो और ये लेके सफ़ेद गाड़ी में बिठा लें ढप ढिप करके कखो नहीं बता लें और जगले आन लें। हमें जमीन के वापस चाहो थी और हमें हम के पैसा नहीं चाहिए, एक दो मुठा जे भी कमाई खीर वह हमारे लिए सब कुछ है। ठीक चुका हमको दस्खत करो दे नहीं उसमें हमारे जिए कर जमीन का जियो हमें
बताएना कि अमरजीत भगत कर बेटा हर के है ना, तो हमें तो नाव ना गांव के कुछ जानिए नहीं थी। सब के स्मृति नगर चौकी के बाहर जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला। यहां बीजेपी नेताओं ने टेंट लगा लिया। सभी बीजेपी के एक एक घर की गई तोड़फोड़ और मारपीट का विरोध कर रहे थे और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कई घंटों तक चौकी के बाहर प्रदर्शन किया गया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, सांसद सरोज पांडे की भाभी और भतीजों पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद से शिकायत का दौर लगातार जारी है और एफआईआर नहीं होने से नाराज कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। रविवार को बीजेपी नेता डॉक्टर दीप चटर्जी के घर बीजेपी नेताओं ने हमला किया। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों पक्ष मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे। वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर दीप ने चंदे को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। बीजेपी में चंदे को चंदा नहीं समर्पण निधि कहा जाता है, ये बात उसमें लिखी थी। और डॉक्टर दीप की पोस्ट बीजेपी और शाही दशहरा के लोगों को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन यहाँ प्रारंभ है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, अपराधियों पे एफआईआर दर्ज होना और उनकी अविलंब गिरफ्तारी होना। ये दो मांगे हमारे लिए जब तक पूरी नहीं होगी ये धरना, पुलिस वाले अगर चाहेंगे तो 7 दिन चलेगा, वे चाहेंगे तो 1 महीने तक भी चलेगा। इधर यूथ कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा को कोरबा पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आकाश पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। मामला दरअसल 22 जनवरी का है, जब बाजार मोहल्ला में रहने वाले बलविंदर सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बताया जा रहा है कि बलविंदर के घर में 3 लोग किराए से रहते थे, जो लंबे समय से किराया नहीं दे रहे थे। आरोप है कि आकाश शर्मा उस मकान को अपने भाई का बताकर किराया वसूलने से रोकता था, जोर देने पर मकान मालिक को धमकाता था। वहीं बलविंदर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में कथित रूप से आकाश शर्मा और अपने 3 किराएदारों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस इस मामले में किराएदारों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं आकाश शर्मा फरार है। पैसा भी नहीं देते थे, पिछले जनवरी से मतलब लड़ाई होता रहा, और खाली कराने के लिए बोलते थे तो आकाश शर्मा का नाम लेते थे। क्या बोलते थे? आकाश शर्मा लिख के दिया है, किराया नहीं मिलेगा, इसे करके बोलते थे। लाइट को काट दिए थे तो लाइट को आकाश शर्मा ही जुड़वा दिया था, अपने नाम से मतलब जुड़वा दिया था। फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था, उसके कमरे से सुसाइड नोट्स मिला था जिसमें 4 लोगों का नाम था, जिसपे हमने अपराध पंजीबद्ध करके 3 लोगों को अरेस्ट करके रिमांड पर जेल भेजे हैं, एक अन्य भी फरार चल रहा है। कवर्धा जेल में विचाराधीन बंदी की आत्महत्या मामले में 2 जेल प्रहरियों को सस्पेंड किया गया। ड्यूटी में लापरवाही के चलते गणेश प्रताप सिंह और प्रीतम सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। बता दें कि पत्नी की हत्या का आरोपी ज्ञान सिंह ने 15 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विचाराधीन कैदी की आत्महत्या मामले पर प्रशासन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच का जिम्मा कवर्धा SDM को सौंपा गया था। मामले में 2 प्रहरियों को निलंबित किया गया। जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कोशिश यही होती है कि जनता की समस्याओं को दूर करें, ताकि अगले चुनाव में वो जनता का एक बार फिर वोटों के रूप में आशीर्वाद हासिल कर सके। अब जनता से जुड़ने के लिए केशकाल विधायक संत राम नेताम ने ऐसी ही एक पहल की। विधायक ने अपने चलते फिरते दफ्तर बनाए हैं। इन दफ्तरों के जरिए लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। वहीं लोग सीधे वीडियो कॉल कर विधायक को अपनी समस्या बता सकते हैं। विधायक संत राम नेताम ने 30 जनवरी को अपने गृह क्षेत्र छिंदली से इसकी शुरुआत की थी। वहीं संतराम नेताम इसके जरिए लोगों की समस्या तो दूर कर ही रहे हैं, अपने चलते फिरते विधायक दफ्तर पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कई हमारे जो आम जनता है वो ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते, कई बार मैं भी नहीं मिल पाता, तो इसके कारण क्या है, वहाँ पर जाएं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको असुविधा ना हो, उनके जो समस्या का समाधान
हम जो है यहाँ आवेदन आने पर हम उसको ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रदेश जहाँ पर उसकी समस्या है उसको बाकायदा यहाँ पर इंदिराज हम कंप्यूटर में करते हैं और उनको समाधान करके उनकी सूचना भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यात्रा मिलन समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनका आदिवासी रीति रिवाजों से स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने मावली माता मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने गोंडी भाषा में संबोधित करते हुए आदिवासी समाज को प्रकृति का पुजारी बताया। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ भाइयों के मिलन समारोह को देख उन्हें प्रसन्नता हुई। आदिवासी समाज ने हमेशा प्रकृति की रक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने सगा समाज के लोगों को प्रोत्साहित भी किया। और जो एक संस्कृति और जो आज भी इनके साथ में आज मतलब बरकरार है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और मेरी कोशिश रहेगी। ये पूरा क्षेत्र एक बड़ा संवेदनशील है और यहाँ के जो लोगों की मुख्य जो समस्या है उसका आगे भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले और अपना जीवन को एक अच्छा बनाएं और इस क्षेत्र का भी विकास हो। रायगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रांसपोर्टर राहुल अग्रवाल के बेटे शिवांश को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। उसकी रिहाई के लिए 25 लाख की फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी नाकेबंदी और दबाव ने अपहरणकर्ताओं के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने अपहरण शिवांश को तो सकुशल छुड़ाया ही, उसके तीन अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। शिवांश अग्रवाल का खरसिया से अपहरण किया गया था। पुलिस ने उसे झारखंड के खूंटी से बरामद किया। घटना का मुख्य आरोपी ट्रांसपोर्टर राहुल अग्रवाल के घर का रसोईया निकला। पुलिस के मुताबिक वो उसे नौकरी से निकाले जाने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार, क्लोरोफॉर्म व रस्सी भी बरामद की है। कल जो एक बच्चा, जो 6 साल का बच्चा था जिसकी कल अपहरण हुआ था, उसमें उसके परिवार में जो एक कुक था उसने ये अपहरण की साजिश रची थी। वो परिवार में काफ़ी समय से काम कर रहा था, दो और साथियों के साथ। उसके मन में लालच आ गया था कि परिवार से वो कुछ ना फिरौती की रकम वो वसूल सकता है, तो इसीलिए एक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला था, यहाँ भी आता जाता रहता था, उसके साथ उसने एक टीम बनाई और बच्चे को कुछ बहाने से वो वहाँ बाहर ले गया और वहाँ से मोटरसाइकिल से ले जाने के बाद इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी भी कर रखी थी। उस गाड़ी से उसका अपहरण करते हुए वो लोग रांची ले की तरफ बढ़ने लगे और लोकेशन के हिसाब से फिर बाद में ये लोग पकड़ में आए। तो पेशेवर नहीं थे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति रांची के किसी गैंग से भी संपर्क में था। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका एक प्लानिंग के तहत ये किया गया मामला था। इधर कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। जवानों ने 3-3 किलो के 3 कुकर बम बरामद किए हैं। बीएसएफ के बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय कर दिया। वहीं ये बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। आमाबेड़ा और बोड़ा गांव मार्ग पर इसे लगाया गया था। वहीं ASP गोरखनाथ बघेल ने मामले की पुष्टि की। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी बोधघाट परियोजना पर लाल आतंक का साया है। नक्सली इसके खिलाफ पर्चे बटवा चुके हैं, वहीं आदिवासियों को भी गुमराह किया जा रहा है। परियोजना का अभी सर्वे का काम चल रहा है, जिसे लेकर अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि इस इलाके में पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। नक्सली उन्हें निशाना बना सकते हैं। हालांकि बस्तर IG सुंदर राजपी ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया और उन्होंने विश्वास जताया कि बस्तर के आदिवासी नक्सलियों की बातों में नहीं आएंगे। इधर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो स्थानीय जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए जो जितना भी हमारा जो स्थानीय पुलिस बल और जो केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल समर्पित होकर काम कर रहे हैं, इसी पार्ट के एक और जो करिए मतलब इस इलाके के जो विकास भी है, जो उसके लिए जो स्थानीय पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति करके जो शासन के जो भी प्रोजेक्ट्स रहेगा जनहित में जो की जाएगा उसके क्रियान्वयन करने के लिए, उसके सुरक्षा देने के लिए जो सुरक्षा बल काम करेगा।
बस्तर में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव ने नक्सलियों को पड़ोसी जिलों में शरण लेने को मजबूर कर दिया है। कवर्धा ऐसे ही जिलों में से एक है जहां नक्सली पिछले 5 साल से यहां अपनी पैठ जमा रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे लेकर बेफिक्र है और नक्सलियों के खिलाफ किसी ऑपरेशन को लंबे समय से यहां अंजाम नहीं दिया गया। वहीं कवर्धा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। कुछ दिन पहले ही एमपी पुलिस ने कवर्धा से लगे मोती नाला के पास 2 नक्सलियों को ढेर किया था जो कवर्धा में सक्रिय है। ये इस बात का संकेत है कि नक्सलियों का गढ़ बस्तर से अब कवर्धा शिफ्ट होता जा रहा है। पुलिस फिलहाल राजनांदगांव, मंडला, बस्तर में नक्सली से मुठभेड़ कर उन्हें खदेड़ने में लगी है। वहीं कवर्धा नक्सलियों की आरामगाह बनता जा रहा है। इधर जशपुर में नशे के कारोबार पर अंकुश के लिए आईजी आरपी साय ने एक नई पहल की है। पत्थलगांव में ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय कर दिया गया। दीवानपुर गांव में इसे लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आईजी आरपी साय ने ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो बदमाशों की सूचना पुलिस को दें ताकि उनके खिलाफ पुलिस तुरंत एक्शन ले सके। आईजी आरपी साय का मानना है कि ग्राम रक्षा समितियों के जरिए पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होगी और अपराधी तत्वों को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। पुलिस और जनता के बीच जो दूरी बनी हुई है मित्रता के रूप में परिवर्तित होगी और कोई भी सूचना या जो भी परेशानी है गांव वालों की उसको तत्काल निराकरण में उसके सहयोग मिलेगा। इसलिए हम गांव गांव जाकर लोगों की परेशानी सुन रहे हैं और कुछ समस्याएं जो निराकरण लायक है उसको तत्काल वहीं पर निराकरण कर दी गई है। बिलासपुर में किन्नरों के बीच चल रही गुटबाजी ने विवाद का रूप ले लिया है। किन्नरों के एक दल ने दूसरे दल पर मारपीट करने और परेशान करने का आरोप लगाया और आईजी एसपी कार्यालय और सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंप कर सुरक्षा की मांग की है। दरअसल शहर में किन्नरों के 2 दल हैं। आरोप है कि चांटीधी किन्नर दल तालापारा किन्नर दल को मांग करने पर परेशान करता है, जिसके बाद किन्नर सम्मेलन में सुलह करने की कोशिश की गई लेकिन वहां भी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। मरवाही वनमंडल में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। नाका गांव में 2 हाथियों ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस हमले में 3 साल के मासूम को भी चोट आई है। पीड़ितों के मुताबिक वो खेत के पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे थे ताकि फसल की रखवाली कर सके। देर रात अचानक उनकी झोपड़ी को 2 हाथियों ने घेर लिया और हमला बोल दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने महिला और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। तो मरवाही वनमंडल में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। इस हमले में 3 साल के मासूम को भी चोट आई है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है जिसे ग्रामीणों ने अस्पताल भेज दिया है। जगदलपुर में सुभाष वार्ड के राम मंदिर परिसर में टेंपल कमेटी की जमीन पर बने सालों पुराने कब्जे को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को फरमान जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जगह खाली करने का नोटिस दिया है। करीब 11 दुकानदारों को तहसीलदार ने नोटिस थमाकर 3 दिन में जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं विस्थापन से पहले अचानक जगह खाली करने के नोटिस का पीड़ित परिवार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने विस्थापन के लिए उनको जगह नहीं दी है जहां वे अपनी दुकान खोलकर परिवार का पालन पोषण कर सके। वहीं कलेक्टर का कहना है कि कब्जाधारियों से चर्चा की जाएगी और जल्द ही उन्हें विस्थापन के लिए जगह दी जाएगी। पहले विस्थापन किया जाए हम लोगों को दुकानदारी दिया जाए उसके हाँ आस पास ही, क्योंकि जहाँ व्यापार चले हमारा, ऐसा नहीं आउटर में दे दें। हाँ, जहाँ व्यापार हमारा चले, हमारा रोजी रोटी चले। सौंदर्यीकरण बोल रहे हैं, ये सिर्फ सौंदर्यीकरण करेंगे और सौंदर्यीकरण के नाम से हटाया जा रहा है, लेकिन अभी रोजी रोटी चल रहा है बंद। रोजी रोटी चलता हुआ कहाँ हम लोग लेके जाएंगे अचानक।
दलपत सागर का प्लान जो हमने बनाया है उसको लेकर के कई बार हम लोगों ने चर्चा की है सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। इसी तारतम्य में आज इस हफ्ते भी हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, उन सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थापन की योजना हम लोग स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं। जैसे जो ठेले गुमचे वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, उनके लिए हम लोग चौपाटी के रूप में विकसित कर रहे हैं जिससे कि पार्किंग की भी सुविधा मिले, लोगों की आवाजाही में भी कमी ना हो और उनका भी बिजनेस चले। वैसे ही कुछ लोगों ने जो अनधिकृत रूप से कब्जा किया है या फिर पुराने समय से कब्जे में बैठे हैं उनको भी हम लोग उनके साथ चर्चा करके उनके सहयोग से शिफ्ट करेंगे। जगदलपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने तो खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। सफाई व्यवस्था में तेजी के लिए खुद फावड़ा उठाया और नालियों की सफाई शुरू कर दी। वहीं सफाई कर्मियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। लोगों से भी स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदार बनने की अपील की। वहीं महापौर और नगर निगम अध्यक्ष ने भी शहर में घूम घूम कर कचरा इकट्ठा किया और लोगों से अपने घर और आसपास सफाई करने की अपील की। जो हमारा जगदलपुर शहर है पिछले दो साल से अच्छी रैंकिंग है, जैसे 2019 में 32वां रैंक था और अभी पिछले वर्ष 33वां था, तो एक स्थायित्व आगे है, अच्छा काम करके टॉप 50 में हमारा शहर है पूरे भारत में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में अपने को रैंकिंग अगर बढ़ानी है तो उसके लिए लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों से जन सहयोग लेकर स्वच्छता में आगे। इधर सुकमा के अबूझमाड़ में पीस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मिनी स्टेडियम से कोतवाली तक ये दौड़ लगाई गई जिसमें एसपी केएल ध्रुव और जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जिसमें जिले के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कोंडा गांव के नारायणपुर में 27 फरवरी को मैराथन दौड़ का आयोजन होना है, जिसके प्रमोशन के लिए मैराथन दौड़ रखी गई। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के अगुवाई में आईटीबीपी के 41 और 29 बटालियन के जवानों और पुलिस कर्मियों ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मैराथन के विजयी प्रतिभागियों को इनाम